वेलकम बैक वीयर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। अच्छा जी, हमारा गायनी का सेगमेंट है और आज हम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों पर बात करने वाले हैं। आज हम मेनली डिस्कस करेंगे इनफर्टिलिटी, और इनफर्टिलिटी किन किन रीजंस की वजह से होती है वो सारे रीज़न डिस्कस करेंगे, और इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी आई शुड से, इसको ट्रीट कैसे किया जाता है इस पर भी बात होगी। और इससे बात करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी गायनेकोलॉजिस्ट मौजूद है, जो बड़ी मुश्किलों से हमारे लिए, हमारे और आपके लिए एक्चुअली टाइम निकाल के आई हैं, डॉक्टर आरफा शाह। अस्सलाम वालेकुम साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूं। बिल्कुल ठीक ठाक, लुकिंग वेरी नाइस, थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहिबा, जैसे लग रहा है वो लैब कोट पहन के आई, तो ऐसे लग रहा है डायरेक्ट हॉस्पिटल से बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले हम आपसे पूछेंगे पोल का सवाल। जी देखिए, ये पोल का सवाल जो है नॉट मेड सवाल है, मतलब कोई मेडिसिन से इसका रिलेशन नहीं है, कोई किसी चीज से, हमारी जनरल लाइफ के अप्रोचेस से। हम लोग पामिस्ट के पास जाते हैं, अपने हाथ बड़े शौक शौक से दिखाते हैं, मेरा देखिए मेरा देखिए मेरे हाथ पे क्या है क्या है क्या है। तो अब आप बताइए कि हाथ की लकीरों को इस तरह दिखाना सही होता है या गलत होता है? अच्छा, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो गलत होता है, बिकॉज आपने कभी दिखाया किसी पामिस्ट को, उसने बड़ी सी बात है आपको कहीं और हमने कहीं? नहीं, एक्चुअली नहीं, मैंने तो दिखाया, आई नो, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। अच्छा, दिखाया आपने? एक चीज़ तो ये कि बीइंग अ मुस्लिम, हमारा ये बिलीव है कि जो कुछ होता है अल्लाह की तरफ से होता है, और जो होने वाला होता है और जो भी कोई मिसहैप होने वाली थी वो दुआओं से अल्लाह ताला बदल देते हैं। तो जब ये बिलीव है तो फिर हमें वहाँ जाना नहीं चाहिए। और एज सच अगर हम देखें, एक अपनी समझे, एक अकलमंद शऊर वाला बंदा अगर देखता है, तो जिसको भी हम हाथ दिखाने जा रहे होते हैं, आप देख रहे होते हो तोते बाहर रखे हुए होते हैं, और यू नो वो मतलब वो खुद इतने ज़्यादा परेशान हाल होते हैं। हाँ, exactly, that is the point too. खुद अपना क्यों नहीं देख वो लेते? अपना क्यों नहीं खुद देख कर अपने आप को ठीक कर लेते हैं, अपनी किस्मत को ठीक कर लेते हैं? तो सबसे पहला पॉइंट तो ये कि वो क्यों परेशान होते हैं, अगर उन्हें सब पता चल जाए तो हर चीज़ सही हो जाए। तो मेरे ख्याल से हर चीज़ अल्लाह ताला को पता है, और अल्लाह ताला हर चीज़ के जानने वाले हैं, और ये चीज़ तो कुरान से भी साबित है बेसिकली। तो बीइंग अ मुस्लिम वो चीज़ मुझे नहीं सही लगती, ना ही मैंने कभी दिखाया। अच्छा, लेकिन आपके घर में किसी और का ऐसा बिलीव कोई इस तरह दिखाता हो, कोई इस तरह बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे बिलीव करता हो? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि मेरी फैमिली में कोई ऐसा हो। अच्छा, छोड़े हाथों की लकीरों को, लोग वैसे ही ना अपना फ्यूचर मालूम करते हैं, अपनी ज़िंदगी के बारे में मालूम करते हैं, कि ये चीज़ सही रहती है? फ्यूचर ऐसा है, फारिया अल्लाह, डॉक्टर साहब को मेरा नाम दिया नहीं, राफिया का नाम दिया नहीं। राफिया, ओके सॉरी, राफिया। राफिया फ्यूचर का ऐसा है कि अगर हम देखें ना अपने, मैं एक्चुअली मज़हब को ज़्यादा करती हूँ, प्रेफरेंस देती हूँ, हमें एक इस्तखारे की अल्लाह ताला ने सहूलत दी है, वो भी इस सूरत में कि जब हम कोई डिसीजन लेना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में, तो हम उसका इस्तखारा करें प्रॉपर तरीके से, खुद करें, या अगर हमें अपने आप पे नहीं ट्रस्ट हो रहा तो हम ऐसे कोई आलम दीन है, कोई स्कॉलर्स हैं, उनसे इस्तखारा तो कहते हैं खुद ही करना है। हाँ, ज़्यादातर ज़्यादातर, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं कर पाते, वो कहते हैं कि हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, या मतलब डिफरेंट डिफरेंट लोगों के डिफरेंट व्यूज़ होते हैं ना, तो इसका ये मकसद नहीं होता कि वो ना कराएं, तो वो बस वो करवाएं और फिर देखें कि अल्लाह की क्या मर्ज़ी है, तो उस पर अपना काम करें। अलबत्ता मेरा नहीं ख्याल कि फ्यूचर हम देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं या हम उसको बेहतर कर सकते हैं। हाँ ठीक है जी। अच्छा, अब हम बात करेंगे थोड़ी सी इनफर्टिलिटी या सबफर्टिलिटी पे। अच्छा, इन दोनों टर्म्स में भी कोई फ़र्क है डॉक्टर साहिबा, सबफर्टिलिटी और इनफर्टिलिटी में क्या फ़र्क है? सबफर्टिलिटी आप समझ लो कि अंडर फर्टिलिटी में आता है, यानी इनफर्टिलिटी वो प्रोसेस है जिसमें हम उन पेशेंट्स को देख रहे होते हैं जिनके औलाद की सलाहियत ही नहीं होती, जो कंसीव नहीं कर पाते, ठीक है, उन पेशेंट्स को हम ले रहे होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनके एक आध बच्चा हो जाता है और उसके बाद उनको काफ़ी टाइम गुजर जाता है, वो सेकेंडरी स्टेज में जब चले जाते हैं, तो वो उस कंडीशन में हम काउंट कर रहे होते हैं। बेसिकली इनफर्टिलिटी का मकसद यही होता है कि ऐसे कपल्स जिनको बच्चे किसी भी वजूहात की वजह से नहीं हो रहे होते हैंगे, उनको हम उसमें डिटेल में डिस्कस कर रहे होते हैं जो हमारे पास आ रहे होते हैं। काफ़ी लॉन्ग पीरियड गुजर जाता है, उसमें मुख्तलिफ पेशेंट्स होते हैं, जिसके मुताबिक आप अगर मुझसे पूछेंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि प्रॉब्लम ये है कि जो पेशेंट हमारे पास आ रहे होते हैं, आजकल तो खैर इतना इशू हो गया है बच्चों का कि एक साल के अंदर ही हमारे पास मरीज़ आ रहे होते हैं और वो डिस्कस करना शुरू कर देते हैं कि भाई हमें बच्चा चाहिए। वो इतने कॉन्शियस होते हैं कि 6-7 मंथ होते हैं तो आके कहते हैं हमें आप ट्रीट करें, हमें बच्चा चाहिए। तो इसमें ये चीज़ें होती हैं इनफर्टिलिटी में, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत जल्दी चाह रहे होते हैं, लेकिन इसका सही प्रोटोकॉल ये होता है राफिया, कि हम
जो पेशेंट हमारे पास आ रहे होते हैं, मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को भी कहती हूँ, आज भी आपकी मीडिया के थ्रू भी ये बात बताना चाहती हूँ कि जब आपकी शादी हो जाती है तो एटलीस्ट कम अज़ कम आपको एक साल ज़रूर वेट करना चाहिए नेचुरल वेज के ज़रिए से, उसको देखना चाहिए कि आपको कितना टाइम लगता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बेसिकली नज़र आ रही होती हैं, मतलब समझें कि मतलब उसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा होता है, कभी कभी कुछ ऐसे सर्कमटांसेस भी होते हैं जिसकी वजह से हम नहीं कर सकते, कंसीव नहीं कर सकती, लेडीज़ नहीं कंसीव कर सकती, कुछ हालात हैं। और ज़्यादातर नॉर्मली इनफर्टिलिटी की कॉजेज़ जो मेरे सामने आई है मेरी प्रैक्टिस में, मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं इनफर्टिलिटी के, और अल्हम्दुलिल्लाह कि वो ट्रीट भी हो जाते हैं, बहुत जगह से घूम कर आ रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा सफ़र करके आ रहे होते हैं, तो मुझे उसका इतना एक्सपीरियंस इसलिए ज़्यादा है कि मैं ज़्यादातर ये चीज़ जज करती हूँ कि मेजॉरिटी जो इनफर्टाइल कपल होते हैं उनमें प्रॉब्लम्स इतनी नहीं होती हैं, उनका साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स जो होता है, उनका जो लाइफस्टाइल है या उनके रहने के जो सराउंडिंग्स हैं या इनके इन लॉज ने जो क्रिएट किया होता है स्ट्रेस कपल्स के ऊपर डाला हुआ होता है या लड़कियों पर डाला हुआ होता है, बेसिकली वो अंडर स्ट्रेस डिप्रेशन एनजाइटी की वजह से फर्टाइल नहीं कर पाती। कैन यू गेट इट? तो ये भी रीजंस हैं। स्ट्रेस भी रीजन होता है? स्ट्रेस बहुत मेन रीजन है। एक्चुअली क्या है राफिया कि जब ज़्यादातर मेरे पास जितने भी पेशेंट आए ना, बिलीव करो वो फुली ट्रीटमेंट तो होकर मतलब आते हैं। स्ट्रेस इज समथिंग जो खावतीन इस सिचुएशन में आ जाती है, स्ट्रेस डेफिनेटली वो आएंगी ना उसमें, उसमें डिप्रेशन में भी जा रही होती हैं, क्योंकि exactly. वो जब कोई वो तो एग्जैक्ट नेचुरल है ना, लेकिन करना क्या होता है कि आप बिलीव करो कि ट्रीटमेंट तो वही हो रहा होता है। आप देखते हैं कि बड़े बड़े गायनोकोलॉजिस्ट के पास से मेरे पास लोग आ रहे होते हैं, यानी कांसेप्ट हाँ, ये कहते हैं कि ट्रीटमेंट में सब क्लियर है जी, हस्बैंड का भी वाइफ का भी, फिर भी कंसीव नहीं हो रहा। प्रोटोकॉल तो वही है ना, वो जो फॉलो करें मैं भी वही फॉलो करूंगी। कुछ ऐसा होता है जैसे अब आप डॉक्टर हैं, आपका फेथ है कि मैं पैनाडोल लूंगी तो मैं ज़्यादा बेहतर हो जाऊंगी, और मेरा फेथ है कि मैं पॉन्स्टन लूंगी तो ज़्यादा बेहतर हो जाऊंगी, ठीक है, या उनके ट्रीटमेंट का कोई तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ कर देते हैं। कुछ लोगों का बिलीव होता है कि हम थर्ड डे से देंगे हार्मोनल थेरेपी तो पेशेंट हमारा ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देगा, और कुछ डॉक्टर्स का ही होता है। तो उसमें सिर्फ कहानी ही होती है कि आगे पीछे कर दिया जाता है, इसके अलावा दवाइयाँ वही हैं, ट्रीटमेंट भी वही है जो आप ले रहे हो। तो फिर क्या वजह है कि मेरे पास जो पेशेंट आ रहा है वो कंसीव कर रहा है और जो आपके पास गया उसने कंसीव नहीं किया? बेसिकली होता क्या है कि जब पेशेंट मेरे पास आ रहा होता है तो सबसे पहले तो मैं उनका जो स्ट्रेस होता है ना उसको बिल्कुल ख़त्म कर देती हूँ। मैं कहती हूँ कि देखिए अगर आपको इलाज मेरे पास करवाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये करें कि आप ये भूल जाएं कि आपको बच्चा होना है। अगर आपने ये सोचा कि भाई यहाँ इलाज कराएंगे और हमें बच्चा होना ही होना है और हर महीने आपने यही इशू लेके आना है मेरे पास, डॉक्टर साहब अभी तक तो हुआ नहीं, डॉक्टर साहब अभी तक तो हुआ नहीं, और यकीन करें लिटरली रो रहे होते हैं वो कपल्स, रो रहे होते हैं, रो रहे होते हैं कि बस किसी तरह भी बच्चा मिल जाए हमें, बस हो जाए, हम और कुछ नहीं सुना चाहते, कोई भी तरीका आप ऐसा कर दें कि हो जाए, चाहे उसमें 2 लाख लगें, चाहे उसमें 2.5 लाख लगें, चाहे उसमें कोई भी प्रोसीजर हो, वो सब करवा के आ रहे होते हैं। मेरे पास बहुत सारे कपल्स ऐसे आए हैं राफिया कि जो सब कुछ करवा के मेरे पास आएँ, और अलहमदिल्ला ये अल्लाह का मैं शुक्र अदा करती हूँ कि मैंने उन्हें ट्रीट किया है, और बिलीव करो कोई बड़ा कमाल नहीं किया। कभी कभी सोचती भी हूँ कि पता नहीं अल्लाह की तरफ से भी कुछ है, और सेकेंडली ये कि मैं सिर्फ उनका स्ट्रेस उनके ज़हन से हटा स्ट्रेस रिलीफ करती हैं एंड दे कैन कंसीव और वो कंसीव कर लेती हैं। ओह क्या बात है जी, जबरदस्त बात। ऐसी जबरदस्त बात पे एक छोटा सा ब्रेक लेना तो बनता है। छोटे से ब्रेक के व्यूअर्स कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।